Hey guys, welcome back to my channel. This is Anupriya. As you already know, अभी ये व्लॉग बहुत बहुत और एडवेंचर से भरा होने वाला है. I'll tell you why. Because I am going to my first international trip. Amazon, Myntra, H&M, Zara, Flipkart, मुझे जितनी ऑनलाइन शॉपिंग दिखी एप्स मैंने सब कुछ ले लिया है. और मैं आपको मैस दिखाती हूँ मेरे रूम का क्या हाल हो रखा है. लुक एट दिस मैस. मतलब मैंने दुनिया जहान की शॉपिंग कर ली है अभी एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. अब मुझे करनी है पैकिंग एंड आई डोंट नो मैं कहाँ से शुरू करूँ. पहली बात तो मैं नर्वस एक्साइटेड आई डोंट नो मैं क्या हूँ. मैं ना इन दोनों के बीच का मिक्सर हो चुकी हूँ. मुझे सच में नहीं पता चल रहा है कि मुझे क्या हो रहा है. मुझे ना एंजाइटी हो रही है. मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हो रही है. मुझे कुछ हो रहा है. आई डोंट नो. मतलब आई नो दिस इज नॉट अ बिग डील. सब बाहर जाते हैं. मतलब कुछ टाइम के लिए बाहर जाते जाते बट पता नहीं मुझे. आपको अपना एयरपोर्ट लुक दिखा दूँ. उसके साथ साथ मुझे लेट हो रही है तो मैं साथ साथ ब्रेकफास्ट भी कर रही हूँ. आई एम रेडी. सॉरी. ठीक है. तो वैसे बात हुई मैंने बनाया है. अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखते हो ना तो आपको पता होगा मैं कितनी इजी तरीके से और कितना टेस्टी बनाती हूँ. मतलब मैं तो जीनियस हूँ यार. ठीक है. अच्छा तो सुनो कि मैंने आज क्या पहना है. होल्ड ऑन मैं कैमरा सेट कर दूँ. सॉरी सॉरी. मैंने डाला है क्रॉप टॉप जो मैंने अभी अभी रिसेंटली मिंत्रा से ऑर्डर करवाया है. एंड देन ट्राउजर शूज और एक जैकेट जो बहुत कूल है. आई मीन आई जस्ट लव द जैकेट. ये मैंने रिसेंटली एयरपोर्ट लुक के लिए खरीदी है. फिलहाल मेरी हो चुकी है गाइस. वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है. रेडी मैं हो चुकी हूँ. एयरपोर्ट लुक भी हो चुका है. कंप्लीट लुक मैं एयरपोर्ट में पहुंच के आपको दिखाऊंगी. बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड प्लस आई एम नर्वस प्लस एंजाइटी हो रही है मेरे को. जनरली लोग रास्ते के लिए कुछ लेके नहीं जाते. या तो एयरपोर्ट से खाते हैं या वो कहीं से भी खाते हैं. बट मैं हूँ चिंदी. मैं लेके जा रही हूँ काजू कतली का डब्बा. मुझे लगता है मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए. कभी भी मुझे मीठे की क्रेविंग हो सकती है और इससे ज्यादा अच्छी और टेस्टी मिठाई मैंने नहीं खाई. पहुंच चुके हम दिल्ली. हाय राखी मैम. हाय. इससे पहले मैं वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज हमारे साथ कोई वीडियो नहीं बनाते. मतलब राखी मैम आपसे लेट हुई है तभी वो भड़के हुए थे. गाइस तो पहुंच चुकी हूँ मैं दिल्ली एयरपोर्ट. हम लोग इतनी जल्दी आ गए कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम आराम से सो सकते हैं. 1 to 26 पॉकेट जाने वालों की भीड़ देख रहे हो तुम. फाइनली हमारी बोर्डिंग हो गई है. पास केबिन बैगेज में गाइस सामान ज्यादा मत रखना. मुझे मुंबई एयरपोर्ट में रोक लिया था पर यहाँ पे मुझे रोका नहीं तो सक्सेसफुली सब कुछ डन हो चुका है. और अभी जा रहे हैं हम दिल्ली ड्यूटी फ्री में. 790 रुपीस का बढ़िया चीज. एक ही बारी में खत्म. रेड लेवल केएफसी. दूर से मेरे लिए सामान लेते हुए प्यारी सी लड़की आती है. खाना. थैंक यू सो मच. ओके. ये वाली चेयर से करके रख सकती हूँ. बट ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है. मुझे बहुत कंफर्टेबल सी चीज़ चाहिए. तो राखी मैम गई है. मैंने राखी मैम को खुफिया मिशन में भेजा हुआ है. हो गई है मेरे लिए चेयर देखने के लिए. एक होगी तो मैं बैठी जाऊँगी या तो मैं उनके ऊपर बैठ जाऊँगी. पर मुझे सोना है. सच अ बोरिंग डे. नहीं बोरिंग एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर. बस खुफिया लड़की बेचारी ढूंढने गई है और अभी तक ये देखिए भटक रही है वहाँ पर. इनको अभी तक कुछ नहीं मिला. राखी मैम नहीं मिली. मुझे नहीं पता ढूंढ के लाओ. गाइस अभी हमारे साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला है. हो गया था हमारे साथ बहुत बड़ा कांड. हम लोग एक्चुअली बैठ के कॉफी पी रहे थे और अभी हम सोचा हम सो जाते क्योंकि हमारी फ्लाइट 11:50 की थी. 11:50 की 11:50 क्या होता है 11:50 की थी. और अभी हम आए वो लोग फाइनल कॉल चला रहे थे हमारे लिए. मेरे सारे पैसे वेस्ट हो जाते थे. हम बड़े से बोल रहे कि अभी तो टाइम है ना. अभी टाइम एग्जैक्टली. मैम आप ही के लिए रुके हुए थे हम लोग. यार शेट भागो भाई भागो. भाग अनु भाग. भाग बसंती भाग. तेरा एरेशिया गया बसंती भाग. ये क्या बात हुई. आधी में बुक उल्टी कर दी. उल्टी बुक चल रही है मैडम. हाँ. सब सो
और इस गेम का नाम है तोता और मैना, जो तुम बचपन से खेलते हुए, बट देयर इज अ ट्विस्ट। वो ट्विस्ट मैं आपको बता देती हूँ, पोज मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्विस्ट है गेम का रूल, तुम्हें पहले बता दूँ, जो उड़ता है उसको नहीं उड़ाना है, जो नहीं उड़ता उसको उड़ाना है। जैसे तोता उड़ता है तोते को नहीं उड़ाना है, कुत्ता नहीं उड़ता तो कुत्ते को उड़ाना है, ठीक है। तोता उड़, मैना उड़, भैंस उड़, चील उड़, बाज उड़, अनुप्रिया उड़, तोता उड़। क्यों उड़ाया तोता? अब मार खाने की बारी आ गई। ये लड़की आज बहुत मार खाने वाली है, कुआलालंपुर जाने से पहले इनका हाथ सूजने वाला है आज। ये गाइस वाली गेम हमने खेली, हम दूसरी गेम खेलने वाले हैं। क्या छुपा है? ये तो कभी बचपन हो गया। बट चलो अगर मुझे सही बता दे तो मुझे क्या दूंगी? ना मैं ढूंढ के दिखाओ, ठीक है। अगर मैं ढूंढ के दिखा दिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तू पता क्या इसके पीछे भाग रही है, तेरा भी आंसर यही होगा। सबका बराबर एक। हम पहुंच चुके हैं मलेशिया, और इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले जाके मैं थोड़ा सो लूँ, फ्रेश हो लूँ, कुछ चीज़ें कर लूँ। बस लग गया, लग गया, लग गया। अनुप्रिया सफलता पाती हुई। हमारी नींद पूरी नहीं गई। कुछ भी लेना, कभी भी इनडायरेक्ट फ्लाइट मत लेना, मतलब ऐसे ले ओवर्स मत लेना, डायरेक्ट फ्लाइट लेना मेरे हिसाब से तो बैंड बज जाएगी हर चीज़ की। मैंने नया वर्ड सीखा मलेशिया में, डुडू। हेलो, यूज़ करने वाली हूँ पॉकेट का सेल। फर्स्ट टाइम मैं अपनी कंट्री इंडिया, इंडिया के अलावा कोई और से यूज़ करने वाली। इट्स वेरी इजी गाइस। व्हाट शुड पीपल कॉल यू? व्हाट शुड पीपल कॉल मी? हवा हवाई। तो गाइस दिस इज ऐप जो मैं डाउनलोड कर रही है मैंने, इसका नाम है ग्रैब, ऐप जो फुकेट में चलती है। गाइस फुकेट एयरपोर्ट से काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन के मोड है वो मैंने शेयर कर दिए। हमने लिए एक मिनी बस और टैक्सी, इसमें 10 की कैपेसिटी होती है। हम लोग 6 थे फिर भी ये लेके चले गए बिकॉज हमें लेट हो रही थी। लग्जेरियस ट्रांसपोर्ट था, काफ़ी कंफर्टेबल था, और डायरेक्ट होटल पे इसने हमें ड्रॉप किया। And may I have everyone passport? Okay. When you check out, I return money. This is the security amount. Yes. We have to deposit 1,000, yes. And you will return once we leave. रूम बहुत स्पेशियस हैं। चेक इन से पहले इन्होंने हमसे सिक्योरिटी अमाउंट लिए विच इज 1,000 बात। जब आप चेकआउट करेंगे तो ये मिल जाएगा। हे गाइस, तो हम हो चुके हैं रेडी और अभी हम जा रहे हैं मार्केट। क्यों जा रहे हैं मार्केट? यू नो वेरी वेल, खाने के लिए जा रहे हैं मार्केट। अभी हमें पता भी नहीं कि हम क्या 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 खाने वाले हैं। हम लोग रेडी हो चुके हैं और लेट्स सी नीचे क्या मिलता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप 8 बजे फुकेट में रात को अगर आपके रूम पे कुछ नहीं है तो आप नीचे जाके क्या खा सकते हो। निकल चुके हैं बाहर एंड दिस इज शालीमार इंडियन रेस्टोरेंट। अगर आप लोगों को खाना है तो देखो, पहले आते ही वेजिटेरियन मिली हम लोग को शालीमार इंडियन रेस्टोरेंट। गाइस अगर आप लोग सामान नहीं लेके आए हो, स्पेशली गर्ल्स, तो आप यहाँ से बहुत सारी चीजें ले सकते हो। मैं भर भर के सामान लाई हूँ इसलिए मैं नहीं लूंगी। दिस इज सो नाइस। फुकेट में गाइज आपको हर तरीके का सी फूड मिलेगा, जो आपको चाहिए वो सब मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन है तो येस यू हैव ऑप्शन फॉर दैट एज वेल। इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो ओनली वेज भी सर्व करते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा बहुत टेस्ट कर सकते हो तो हम नॉर्मल चीज़ें टेस्ट कर लो। जैसे हमने तो फिश ही ट्राई करी है, बहुत टेस्टी थी, ट्रस्ट मी। फॉर होल प्लेट, प्लेट फॉर 50 बात फॉर प्लेट, 50 बात फॉर प्लेट। फिश, बिकॉज फिश तो हम सब खा सकते हैं। एंड देन प्रॉन्स, तो अगर आपको प्रॉन्स खाने तो ठीक है, तो एक फिश एक प्रॉन्स।
मिल रहा है। थैंक यू। 100 बात। स्विम बने ने था। स्कैलप। फ्री स्कैलप। 200 बात। वेलकम टू थाईलैंड। ओके, सो दिस इज फॉर 100 बात। गाइस हम ट्राई कर रहे हैं स्क्विड, ठीक है? तो हम एक्सपीरियंस बताएंगे ये है कैसा हमको। तो चिकन जैक तो चावल खा ली वो तो ठीक है, उन्होंने हमें दारू की दे दी। इस अभी हम खा रहे हैं पैर थाए, और आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा होता है, बट इसको मैं अगर हिंदी में कहूँ तो ये मोटी नूडल्स सब कह सकते हो। ट्वेल्व आवर्स की फ़्लाइट के बाद गाइज हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा फेमस थाई मसाज फर्स्ट डे में ही ट्राई कर लेते हैं। तो हमने सिर्फ फुट और हेड मसाज ली फॉर 250 बात ओनली। ये था आपका 1 आवर के लिए, एंड ट्रस्ट मी इससे अच्छा कुछ नहीं है, मतलब इतना रिलैक्सिंग था। उसके बाद चले गए हम 7-Eleven कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेने। 7-Eleven में गाइज सब कुछ मिलेगा जो भी आपको चाहिए, सब कुछ, प्लस आपको थाई या फिर कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने हैं वो भी मिलेंगे काफ़ी रीजनेबल रेट में। आपको सिम चाहिए वो भी आपको 7-Eleven से मिल सकता है, बट एयरपोर्ट से लेने में ज़्यादा भलाई है, थोड़ा महंगा मिलता है, बट ठीक है इंटरनेट वगैरह अच्छा चलता है। हमारे होटल से नियर बाय मार्केट पटोंग में ये था। आप पटोंग में कहीं भी होटल लेते, नियर बाय मार्केट सिर्फ यही मिलेगा। तो हम लोग घूम के आ चुके हैं मार्केट, अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि कल है हमारा फीफी का टूर, जो उसकी गाड़ी आने वाली आई गेस 7:45 समवेयर, तो हमें उठना है 5 बजे, तो अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड नंबर 2। बाय, गुड नाइट।